क्या हुआ क्या हुआ भैया? मोबाइल अरे भाई छाता आपको हटा रहा है, हम नहीं जानते हैं। अब जी सब मोबाइल लेकर छाता तुम्हारा काम देख लिया। बैठ लीजिए, बैठ बैठ बैठ। अच्छा माइक ऑन करो सर। सर 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 आजादी की सर शुभकामना है सर, शुभकामना देते जाइए सर, शुभकामना। अरे भाई ड्रोन एक मिनट। अरे यार चलो हो गया। अरे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये राष्ट्र के उन नायकों के हम अनुग्रहित हैं जिन्होंने अपना सब कुछ राष्ट्र की एकता के लिए, आज़ादी के लिए अपने को निछावर किया। और आज जितने हम यहाँ नहीं पूरे राष्ट्र के लोग चाहते हैं कि हमारे आज़ादी के मूल्य और संविधान के मूल्य और अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता थी उनके अनुसार इस देश को भाईचारे के साथ हम इस राष्ट्र को आगे बढ़ाएं और उनके उस वचन को याद हमेशा रखें। इस आज़ादी की रोशनी जब तक झोपड़ियों तक नहीं जाएगा, गांव तक नहीं जाएगा, तब तक असली आज़ादी नहीं आ पाएगी। और संविधान की दस्तावेज को बनाने वाले अम्बेडकर साहब की बात, राजनीतिक आज़ादी तो इस भारत में आ गई लेकिन जब तक सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक नहीं आज़ादी हमें मिलेगी तब तक ये भारत में संकट आगे भी बना रह सकता है। तो अभी भी हम सब अपने राष्ट्रपिता की संतान, हम आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले अपने सभी नायकों को प्रति सम्मान प्रकट करते हुए हमारी ये भी प्रतिबद्धता है कि राष्ट्रपिता के वचन हम लोग को याद हैं और ऐसे समय में हम सबों का कर्तव्य बनता है कि जिस दिशा में ये राष्ट्र गई, ये राष्ट्र को हर तरह से यदि हमें बचाना है और आज़ादी को अक्षुण रखना है तो सारी आज़ादी के मूल्यों के लिए हमें प्रतिबद्धता बनाए रखनी होगी। और जहाँ तक हम बैठे हैं यहाँ साथी, चाहे जिनकी जितनी उम्र हो, आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद या जब भी उनका जन्म हुआ है, लेकिन वचन तो अपने राष्ट्रपिता के प्रति हम सबों की वचनबद्धता है और उसी रास्ते पर हम लोग राष्ट्र के लोग चले, ये हम लोग की प्रतिज्ञा है, पुरजोर प्रतिज्ञा है। और आज हम सबों की इस प्रतिज्ञा को और मजबूती ढंग से हम सब द्वारा थैंक यू। चलिए भाई।